न संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 2023 के जनादेश आए के बाद जो है अब सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर को हुई कहे कि सीनियर लीडरन का प्रोटेम स्पीकर बनावा जात है। वह सूची हमका प्राप्त भई ही जौने माँ दावेदारन के नाम है कि ई बन सकत है प्रोटेम स्पीकर। का ही प्रोटेम स्पीकर के काम पूरी खबर लेके आए हैं विंध्य क्षेत्र के। ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बताया दी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी के द्वारा जोरदार वापसी करत की 163 विधानसभा सीट हैं जहां जीती गई है। ऐसा मां 16वीं विधानसभा में बीजेपी के सरकार बनते हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय में नई विधानसभा के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। जोड़े में सबसे बड़ा सवाल प्रोटेम स्पीकर के है। मध्य प्रदेश में ये कई एक सीनियर विधायक चुनाव जीते हैं जोने जिनका प्रोटेम स्पीकर बनावा जा सकता है। इधर की प्रोटेम स्पीकर के दावेदार को कौन है, कौन कौन नेता शामिल है, पूरी खबर लेके आए हैं। तो दरअसल जो है विधानसभा के गठन में सबसे ज़्यादा जरूरत प्रोटेम स्पीकर के होती। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर सबसे ज़्यादा सीनियर विधायक का बनावा जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पहले राज्यपाल से पद बाबत है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर पद जो है कुछ समय खितिर कार्य करते हैं, वो अस्थायी होते। इनका नियुक्ति तब तक खातिर होती जब तक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष न चुन ली जाए। प्रोटेम स्पीकर जो है निर्वाचित विधायकन का शपथ दिलावत है। शपथ ग्रहण के पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में होता है। ऐसा मां प्रोटेम स्पीकर के नाम खातिर कई एक विधायकन की चर्चा शुरू हुई गई है जो प्रदेश मां चुने 230 नए विधायकन का शपथ दिलाई है। को या प्रबल दावेदार हैं गोपाल भार्गव हेमा सागर जिला के रहली विधानसभा सीट से 9वीं वे विधायक चुनके गए हैं। विजय शाह खंडवा जिला के हरसूद विधानसभा सीट से 8वीं वे विधायक चुने गए हैं। जयंत मलैया दमोह विधानसभा सीट से 8वीं वे के विधायक चुने गए हैं। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिला के मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से 7वीं वे विधायक चुने गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक विधानसभा सीट से 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। गिरीश गौतम देवतला विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बने हैं। वर्तमान में यूं जो है विधानसभा अध्यक्ष है। सीता शरण शर्मा होशंगाबाद सीट से 6वीं बे विधायक चुने गए हैं। 14वीं विधानसभा में ई अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के इस समय विधायक प्रोटेम स्पीकर पद के दावेदार माने जा रहे, माना यह जा रहा है कि नहीं मां क्यों एक का प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी मिल सकती है। कहे कि वर्तमान विधानसभा में ई सबसे सीनियर विधायक है। कहे कि प्रोटेम स्पीकर ओहिन का बनावा जाता है जो कई एक बे विधानसभा चुनाव जीता हो। वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल के पास सदन के प्रोटेम जो है स्पीकर नियुक्त करे की शक्ति होती। का प्रोटेम स्पीकर के काम होते वह जान ली। नए विधायकन का शपथ दिलाऊ, विधानसभा अध्यक्ष के पद खातिर चुनाव करवाऊ, फ्लोर टेस्ट करावे के काम करब होते है। जब तक स्थायी अध्यक्ष के चयन नहीं हो तब तक सदन की गतिविधि का संचालित करत है। तो निश्चित तौर पर प्रोटेम स्पीकर के कई एक दावेदार हैं और कई एक दावेदारन में एक के चयन करब बड़ा मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 163 विधायक के चुनाव जीते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का संतुष्ट करब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी चुनौती हुआ है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।